नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। पतंजलि पर बाबा रामदेव ने दी सफाई, बोले कोरोना नहीं कोरोना मैनेजमेंट की दवाई है। प्रेस वार्ता में एनएलओ प्रमुख अभय चौटाला बोले आगामी विधानसभा सत्र में चल रहे माफिया के सबूत लेकर पहुंचूंगा। हरियाणा में उचित दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए बढ़ाए जाएंगे जन औषधि केंद्रों की संख्या। चंडीगढ़ में आप नेता प्रदर्शन की आड़ में भूले सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। पंजाब के लोगों को अब बस में सफर करना पड़ेगा महंगा। डॉक्टर्स डे के अवसर पर हिमाचल के सोलन में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। सोनीपत में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराधियों ने खाकी को ही मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घटना के करीब 17 घंटे बाद ही सोनीपत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि उसके एक अन्य साथी को जिंदा पकड़ लिया गया है। राजकुमार सुनार ये अजमेर बस्ती भिवानी रोड जीत का रहने वाला है। इसके द्वारा और इसके दूसरा साथी विकास के द्वारा उसी सर्च के दौरान हमारी पुलिस टीम के ऊपर अटैक किया गया, जिसके अंदर हमारे इंस्पेक्टर अनिल जो कि CIA 2 के इंचार्ज हैं, जो साइबर सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रशांत, ASI मंदीप और HC राजेश, इस पूरे प्रकरण के अंदर उनको चाकू के साथ उनके ऊपर वार किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के अंदर जो विकास था वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ, जबकि जो मेन एक्यूज जिसने हमारे मुलाजमों का की हत्या की थी, जो मेन एक्यूज था जो पतंजलि की कोरोनिल दवा को लेकर उठे विवाद के बाद अब बाबा रामदेव ने सफाई दी है। बाबा रामदेव ने प्रेस वार्ता में सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि हमने कोरोना की दवाई नहीं कोरोना मैनेजमेंट आयुर्वेद मेडिसिन तैयार की है जो इंसानी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, लेकिन लॉन्चिंग के समय इस दवाई को कोरोना बोलकर लॉन्च किया गया था। आज अर्थ प्रकाश आपको बाबा रामदेव के सफेद झूठ की वो क्लिप्स दिखाता है। कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। 535 में तो ये पूरी कोरोना की के पेशेंट्स के भलाई के लिए, अब कोई कहे कि जी मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप क्योर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, तो मैंने तो अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा भाई कोविड मैनेजमेंट के लिए बोल लो, शब्दों के भ्रमजाल में माया जाल में मत अटको, कोविड मैनेजमेंट के लिए। बुधवार को चंडीगढ़ में इनेलो प्रमुख अभय चौटाला द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मनोहर सरकार पर निशाना साधते हुए चौटाला ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में वे हरियाणा में चल रहे माफिया के संबंध में सबूत लेकर पहुंचेंगे। इसी बीच हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार सुरेंद्र कौशिक, नरेश शर्मा, हंसराज यादव व राजेश शर्मा ने बुधवार को इनेलो का दामन थामा। आज भी हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको सरकार कहीं ना कहीं खत्म करने पर लगी हुई है। अब तो नए नए माफिया पैदा हो गए। विधानसभा का जब सत्र आएगा तो मैं बहुत सारे सबूतों के साथ, जैसे पिछली दफा नशे को लेकर के मैंने विधानसभा में एक एक दस्तावेज दिखाया था और कहा था कि किस तरह से नशा बेचने वाले लोगों को सरकार का संरक्षण है, सरकार के उन लोगों का संरक्षण है जो बड़े पदों पर है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का रिप्लाई आया था तो उसमें मुख्यमंत्री ने उस पर कोई चर्चा नहीं करी थी, रिप्लाई में बताया नहीं था कि हम इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, उससे साफ साबित हो गया था। आज हमारे बीच में सुरेंद्र कौशिक जी हैं जो महेंद्रगढ़ के जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लगातार सेवा करते रहे।
वहीं इनके साथ माधोगढ़ गांव के नरेश शर्मा जी हैं, जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, वहाँ बड़े उद्योगपति हैं, वो भी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं उनके साथ हंसराज यादव है, ये भी भाजपा से संबंध रखते हैं दोनों। एक राजेश शर्मा जी है, इस राणा गांव के, उन्होंने भी जो बीजेपी में थे, आज उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में अपने ज्वाइन करने का काम किया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जाएं, ताकि आम जन को उचित दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। देश में कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा जरिया है जिसे व्यक्ति संक्रमण को रोक सकता है, लेकिन पेट्रोल के दाम क्या बढ़े। सबसे पहले सोमवार को कांग्रेस के नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को अनदेखा किया, अब बुधवार को आम आदमी पार्टी भी उसी तर्ज पर नजर आई। जहां कोरोना महामारी के चलते देश में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, वहीं पंजाब में पीआरटीसी की बसों में सफर करना महंगा हो गया है। पंजाब सरकार ने आम जनता की जेब ढीली करने की तैयारी कर ली है। बता दें कि प्रति किलोमीटर किराए में 6 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बड़े रेट 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इनर व्हील क्लब सोलन मिड टाउन की महिलाओं द्वारा डॉक्टर्स के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर इनर व्हील सोलन मिड टाउन की अध्यक्षा रेणु शर्मा व उनकी टीम ने इन रियल हीरोज के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया और इनका आभार जताया। सबसे पहले आप सबको डॉक्टर डे की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और डॉक्टर्स हम सब लोगों की दिन रात सेवा और समाज सेवा में जुटे हुए हैं। मेरे को ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे इनर व्हील क्लब सोलन मिड टाउन को ये डॉक्टर्स को सम्मानित करने का मौका मिला है। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।